तो ये मकान था जहाँ हमने पेंटिंग करी। अंकल जी से मिले हम, बहुत अच्छा लगा। अंकल जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हे दोस्तों, अभी हम मेट्रो स्टेशन पर है और गैस करो किधर, हम फरीदाबाद में और इधर हम बड़ौनी गांव जाने वाला हूँ मैं। इधर पेंटिंग करने के लिए भैया ने मेरे को कॉल किया था, करण भैया ने, तो उन्होंने बुलाया। भी देखते हैं क्या सीन रहता है उधर का। तो चलिए चलते, मेरा दोस्त भी ऋतिक वो भी आने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं कैसी पेंटिंग होने वाली है। पहली बार करने वाला हूँ मैं वॉल पेंटिंग, तो बहुत मजा आने वाला है, चलिए चलते हैं। सो ये गाइस, अभी क्या अपन बाहर निकल चुके हैं, हाथ में दो दो कमीशन वर्क है, तो इन दोनों को अपने को डिलीवर करना है, तो वो काम रंजीत कर देगा और अभी मैं उसके घर ही जा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये गली है उसकी। वर्क हमने दे दिया है और शेविंग भी थोड़ी कर ली है। अभी क्या है कि करण भैया के साथ वॉल आर्ट करने जाना है, तो हम निकल चुके हैं उत्तम नगर के लिए। अभी डाबरी मोड़ पे मिलने वाले हैं भैया, फिर चलते हैं। अभी देखो पुरुषगिरी कलर सी पहले हुए, ठीक है, और तुम्हारे भाई ने भैया के साथ मिलके ये बनाया है। तो ये अभी हमने बना लिया है। और उधर देखो सामने वाली दीवार दिख रही है, उस पर राधे कृष्णा बनाने के, तो चलो उस पर ड्रॉ करते हैं ये। लोग अभी पेंटिंग देखो इतनी बन चुकी है राधा कृष्णा की, और ऋतिक भाई आगे बना रहे हैं, करण भैया भी बना ही रहे, तो अपन भी थोड़ा काम कर लेते हैं। सुबह के 10 बज गए और इतना हुआ है, थोड़ा सा हो रहा है बस, वो करते। हमारा फाइनल वर्क निकल के आया है। भैया हाय कर दो पब्लिक को। तो भाई लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग हम जा रहे हैं, बाय, चलिए चलते हैं। तो अभी इधर से जाकर हम कहाँ जाने वाले भैया, बताइए थोड़ा लोकेशन, अगली लोकेशन कौन सी हमारी नई मंजिल। फरीदाबाद में ही है एक गुरुद्वारा है, उधर जाने वाले हैं। इसके बाद नोएडा जाएंगे।